वहीं गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, भारतीय परंपरा में नारियों का सम्मान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, कुंवारी कन्याओं को कराया गया कन्या भोज। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया, बेटियों के लिए बहुत अभियान चलाए गए हैं, स्वच्छ भारत मिशन नारी गरिमा का प्रतीक, नारियों के सम्मान में काम करे, कन्या शिक्षा पर सरकार का जोर रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, महिलाओं की सुरक्षा पर खास ध्यान रहेगा, साथ ही ड्रेस, स्क्वेटर और किताबें दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 2.5 साल में महिलाओं के लिए काम किए हैं, 91,000 स्कूलों का कायाकल्प किया है बदल। हम सब इस बारे में पहले से ही जानते हैं कि नारी शक्ति का सशक्तिकरण हो, उनकी गरिमा और उनके सम्मान के लिए कार्य किया जा सके, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जहां पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर चला है, इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं, वही साथ ही साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या फिर स्वच्छ भारत मिशन एक प्रकार से स्वस्थ भारत के साथ ही नारी गरिमा का प्रतीक भी बना है। इसका एक कालखंड ऐसा था जब अयोध्या में ये परंपराएं एक प्रकार से लुप्त प्राय सी हो गई थी। अयोध्या को उसका वैभव प्राप्त हो, अयोध्या उस सम्मान की हकदार बने, इस दृष्टि से अनेक आयोजनों को हमने इसके साथ जोड़ा है। विगत 3 वर्ष से सरकार वहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ साथ दुनिया के अंदर जहां जहां भी भगवान राम की यह पवित्र लीला गई है वहां से रामलीलाओं को हम आमंत्रित करते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस या फिर मॉरिशस, रसिया, जापान और तमाम अन्य, श्रीलंका, तमाम अन्य देशों की रामलीलाएं भी इस अवसर पर हम अयोध्या में बुलाते हैं। और इस बार 26 अक्टूबर की तिथि हम लोगों ने तय की है। उच्चतम न्यायालय के फैसले को सभी को मानना चाहिए और मुझे लगता है सभी लोगों ने माननीय न्यायालय पे विश्वास व्यक्त किया है। माननीय न्यायालय के फैसले को हर एक व्यक्ति को मानना चाहिए। हम लोग शुरू से इस बारे में कह रहे हैं कि न्यायालय, जब बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है तो हमें न्यायालय पे विश्वास करना चाहिए। न्यायालय जो भी फैसला करे सर्वसम्मत से उसका सबको मान करके, और सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सौहार्द के लिए और देश के विकास के लिए इस समस्या का समाधान आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे की सुनवाई के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और प्रत्येक नागरिक के मन में एक विश्वास पैदा किया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहली विधानसभा है जिसने इस मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को गरीबी से, भुखमरी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, विकास से कोई मतलब नहीं, पर्यावरण से कोई मतलब नहीं, उन लोगों ने वॉकआउट किया है। मुझे लगता है कि गांधी जी का भी और विकास का भी अपमान इससे बड़ा दूसरा नहीं हो सकता है। ये लोग अपने उन बेनकाब चेहरों से अब पर्दा ढकने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि सदन में फेस करने की स्थिति में घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।